You see, value of m is given and value of n is given. Now we have to find this. So you put the value. इसका वैल्यू यहाँ पे बिठाओ माइनस टू होल स्क्वायर प्लस एन का वैल्यू टू माइनस टू इंटू एम का वैल्यू माइनस टू. देखो यहाँ पे माइनस टू है तो यहाँ पे बिठाया एन का वैल्यू टू सो टू बिठाओ तो माइनस टू होल स्क्वायर मतलब माइनस टू इंटू माइनस टू सो माइनस माइनस प्लस हो जाता है टू टू जर फोर. यहाँ पे भी फोर हो गया यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया टू टू जर फोर टू जर एट हो गया. तो ये तीनों ऐड करके कितना मिला 16 मिला. तो यही तुम्हारा आंसर है. अभी देखो नंबर टू एम का वैल्यू माइनस टू एन का वैल्यू टू प्लस एन का वैल्यू टू एम का वैल्यू माइनस टू. तो अभी माइनस टू स्क्वायर मतलब माइनस टू इंटू माइनस टू मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया फोर. बट ये वाला क्या देखो वन बाई टू टू पर टू हो गया क्योंकि माइनस नीचे जाके प्लस होता है तो क्या होगा 4 प्लस 1 बाई 2 टू जर 4 सो इट इज कमिंग 4 होल 1 बाई 4 दैट इज द आंसर 4 होल 1 बाई 4 दैट्स ऑल.